स्वागत कीजिए। हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शादी के बाद अपनी नई नवेली पत्नी राजश्री को लेकर बिहार और अपने घर संस्कृति से पहचान कराने में लगे हुए हैं, जिसमें उनकी मां रावड़ी देवी भी पूरा उनका सहयोग कर रही हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राजश्री देवी तेजस्वी यादव के साथ रावड़ी देवी के सरकारी आवास में पारंपरिक सदस्यों और अन्य लोगों से मुलाकात करा रही हैं। मुलाकात के बाद राजश्री अपनी सास रावड़ी देवी के साथ गौशाला भी पहुंची, जहां पर वो पूरे परिसर में घूमी। राजश्री ने खटाल में गाय को गुड़ खिलाया तो बकरी को पुचकारती हुई भी यहाँ पर नजर आई। वही हमेशा तेजस्वी के लिए भोजपुरी में गाना गाने वाले छोटू छलिया तेजस्वी और राजेश्वरी के लिए यहाँ पर गाना गाते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि पटना में लालू प्रसाद यादव का परिवार अपने पशु प्रेम के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि रावड़ी देवी के सरकारी आवास में भी खटाल है और जहां पर तमाम नस्ल की कई गायें मौजूद हैं। साची कहीं तो है आवन से हमारी अंगना में आवन बहार। बहुत बढ़िया। घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत, घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत, साची कहीं तो है आवन से हमारी अंगना में आवन बहार। बहुत बढ़िया। घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत, घरवा में रहे भाभी तोहरे जरूरत, साची कहीं तो है आवन से हमारी अंगना में आवन बहार। बहुत बढ़िया। तो देखिए, दिल्ली में शादी के बाद तेजस्वी यादव अपनी धर्म पत्नी के साथ पटना आगमन कर चुके हैं, और जिसके बाद बुधवार को सुबह सुबह रावड़ी आवास पर किन्नरों ने जमकर डांस किया। इस दौरान रावड़ी आवास के बाहर आकर उन्होंने बधाई गीत गाने लगे। हालांकि काफी समय के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। वहीं इस दौरान रावड़ी देवी ने वीडियो कॉल पर लालू यादव को किन्नरों का डांस भी दिखाया। बताया जा रहा है कि किन्नरों को साड़ी खाना के साथ साथ सोने की चेन और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए भी मिले हैं। हालांकि किन्नरों ने ये बात बताने से इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अब बिहार का कोरोना अपडेट दे देते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा हालांकि बढ़ रहा है, बिहार में एक्टिव